मैजिकल रिंग। विमला घर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। खुदाई में निकला खजाना, करीब 1000 करोड़ का सोना और हीरे मिले। पढ़कर उसने आश्चर्य से, क्या 1000 करोड़? पैसे गिनने के लिए पूरा 1 महीना लग जाएगा मुझे। ऐसा खजाना मेरे खेत में भी मिला तो कितना अच्छा होता। वो सोच रही थी कि तभी उसका पति प्रकाश वहाँ आया। क्या हुआ, सोना और हीरे कह के कुछ बड़बड़ा रही है? फिर से कहाँ आग लगाने का सोच रही है तू? अब हमेशा मुझसे चिढ़ते हो, मैंने कहाँ आग लगाई है? ऐसा क्या, शादी के दिन से लेकर आज तक एक भी ढंग का काम किया है तूने? बेवकूफ कहीं की। मेरा कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगता। एक ना एक दिन मैं कोई अच्छा काम करके आपसे शाबाशी जरूर लूंगी। तुम कुछ भी मत करना, मेरे घर का सत्यानाश मत करना, बस मैं जो कहूँ वही करती रहो। चलो कुएं के पास जाकर 3-4 पेड़ लगा कर आते हैं। कहकर वो विमला को लेकर अपने खेत पहुंचा। उसने फावड़ा और कुदाल ली और खेत में जमीन को खोदने लगा। थोड़ी मिट्टी खोदते ही उसे वहाँ एक पत्थर दिखा। यहाँ तो पत्थर है, चलो किसी दूसरी जगह जाकर खोदते हैं। कहीं और क्यों, इस पत्थर को निकाल कर यहीं पर पेड़ लगाएंगे। ऐसा कहकर उसने धीरे धीरे उस पत्थर को अंदर से निकालना शुरू किया। उस पत्थर के नीचे बहुत बड़ी गुफा निकली। ये देखकर वो दोनों दंग रह गए। ये क्या, यहाँ इतनी बड़ी गुफा कहाँ से आई? इसमें क्या सोना और हीरे वगैरह होंगे क्या? पता नहीं, तू यहीं रुक, मैं अपने भैया को लेकर अभी आता हूँ। उसके जाते ही विमला, इसमें से कहीं कोई खजाना निकला तो? ऐसा सोचते हुए वो गुफा के अंदर झांकने लगी। पैर फिसला और वो अंदर जा गिरी। उस गुफा में सचमुच सोना, चांदी और ढेर सारे हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। ये सब देखकर विमला को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कितना सोना, कितने सारे जेवर! वो आश्चर्य से चारों तरफ देख रही थी कि ऊपर से प्रकाश, विमला कहाँ है तू? अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ सोना है तो वो बुढ़िया इसे सब में बांट देगी, उसको कभी नहीं बताऊंगी। किसी रात यहाँ आकर सारा सोना ले जाऊंगी, उसने अपने मन में सोचा और कहा, अजी मुझे बाहर निकालिए, यहाँ डर लग रहा है मुझे। उतना ही डर था तो इस गड्ढे में झांका ही क्यों? सासू माँ, आप तो मुझे बचा लीजिए, यहाँ बहुत सारे सांप हैं। सच में? डर मत, मैं तुझे एक मैजिकल रिंग भेजती हूँ, उसे उंगली पर पहनकर बोल कि तुझे बाहर निकाले, वो रिंग ही तुझे निकाल पाएगी। ऐसा कहकर सास ने अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर गुफे में डाल दी। उस रिंग को अपने उंगली पर पहनकर विमला ने बोला, मुझे बाहर निकालो। उसके ऐसा कहते ही वो उड़ते हुए गुफा से बाहर आ गई। अंदर क्या था विमला? पता नहीं सासू माँ, वो गुफा बहुत बड़ी थी, मुझे अंदर बहुत डर लग रहा था। ठीक है छोड़, वहाँ नलिये के पास जाकर थोड़ा पानी पी ले। कहकर सब लोग वहाँ से चले गए। शाम को घर पहुंचकर विमला अकेले बैठकर कुछ सोचने लगी। अब उस खजाने को कैसे हासिल करूं? वो सोच रही थी कि प्रकाश वहाँ पहुँचा। क्या बात है, इतना क्या सोच रही है, क्या गड़बड़ करने वाली है? क्या जी, हमेशा मुझे ही सुनाते हो। मैं जो बात अभी बोलने वाली हूँ ना, आप मुझे शाबाशी दोगे। अच्छा ऐसा क्या, तो बोलो। हमारे खेत में जो गुफा है ना, जानते हो उसमें क्या है? सोने और हीरों का खजाना है। अच्छा, तो फिर तब क्यों नहीं बताया तूने? हाँ, अगर मैं तभी बता देती तो आपकी माँ उस सारे खजाने को लेकर उस कमला में भी बांट देती।
मैं चाहती हूँ कि सारा खजाना सिर्फ हमारा ही हो। तू तो बहुत लालच कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उस खजाने पर सरकार का हक है। मैं अभी पुरातत्व विभाग वालों को फोन करता हूँ। लक्ष्मी देवी स्वयं हमारे घर पधार के कह रही है मुझे अंदर ले जाओ, और तुम बहरे की तरह उनकी बात अनसुनी करना चाहते हो। लेकिन प्रकाश ने विमला की एक ना सुनी और पुरातत्व विभाग वालों को फोन करता रहा। फोन नहीं लग रहा है, मैं शहर जाकर कल उनको अपने साथ लेकर आऊंगा। तब तक तुम चुपचाप घर पर बैठी रहना। ऐसा कहकर वो चला गया। प्रकाश के जाते ही इस आदमी के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। घर आए लक्ष्मी को पैर से ठोकर मार रहा है, लेकिन मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं अभी वहां जाकर थोड़ा बहुत सोना बाहर निकाल लेती हूँ। मेरे पास सासुमा का दिया हुआ अंगूठी भी तो है, इसी की मदद से मैं आसानी से सोना बाहर निकाल पाऊंगी। वो उस गुफा के पास जाकर पहुंची, अंगूठी को देखकर बोली, मुझे अंदर ले जाओ। कहते ही वो अंदर चली गई। अंदर हीरे जवाहरात के खजाने को देखकर विमला की आंखें चमक उठी। एक सोने के सिक्के को पकड़कर बोली, मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी भी इतना सारा खजाना नहीं देख पाऊंगी। मेरे पति के आने से पहले ही थोड़ा बहुत छुपा लेना चाहिए। ऐसा सोचकर उस अंगूठी की मदद से उस गुफा से सोना और हीरे जवाहरात बाहर लाकर रखने लगी, लेकिन अभी भी उसका मन नहीं भर रहा था। और थोड़ा कहते हुए वो और सोना बाहर लाती रही। उसने इतना सारा खजाना निकाल दिया था कि अब बाहर सोने और हीरों का एक पहाड़ ही बन गया था। खजाने को निकालने की खुशी में विमला को समय का पता भी नहीं चल रहा था। सुबह हो गई, अब सूरज सर पर चढ़ चुका था, लेकिन विमला अभी भी उस गुफा से सोना बाहर निकालती ही जा रही थी। हाँ, बस इस बक्से को बाहर रख दूं तो मेरा काम हो जाए समझो। कहते हुए वो उस बक्से को लेकर बाहर आई। बाहर निकलते ही विमला अचंभित रह गई। बाहर प्रकाश, सासुमा और पुरातत्व विभाग वाले खड़े थे। इस सारे खजाने को निकालने के लिए हमें 2 दिन लग जाते। आपने इसे बाहर निकाल कर हमारी बहुत मदद कर दी है, धन्यवाद। ऑफिसर्स, इस पूरे खजाने को गाड़ी में लोड करो। ऐसा कहकर उस सारे खजाने को गाड़ी में चढ़ाने लगा। प्रकाश विमला के पास आकर बोला, सच बताओ, मेरे घर पे ना होने का फायदा उठाकर थोड़ा सोना छुपा लेना चाहती थी ना? क्या फायदा, मेरी पूरी मेहनत को बेकार ही हो गई है ना? अरे पागल कहीं की, तू कहती है कि मैं बुद्धू हूँ, पर तेरी अकल को क्या हो गया? उतना ही सोना लेकर चुपचाप चली जाती। अपने लालच की वजह से और थोड़ा करती रह गई। अब सब कुछ चला जाएगा, समझी मेरी बात? हाँ। क्या समझी? उस आखिरी बक्से को अंदर ही छोड़ देती और बाकी सारा खजाना लेकर चली जाती तो बहुत अच्छा होता। चीची, तू कभी नहीं सुधरेगी। सर, सारा सोना लोड हो गया, अब चलते हैं। ठीक है, जाइए जाइए। सारा खजाना ट्रक में जाने लगा तो विमला रोते हुए बोली, मैंने तो सोने का महल बनाना चाहा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए। छी। बहुत हुआ रोना धोना, वो अंगूठी माँ को वापस कर दे, नहीं तो सुबह सुबह वापस यहाँ आकर ढूंढने लगेगी कि कुछ बचा कुचा हो। वो कहने लगा और विमला उसे गुस्से से घूरती रह गई। मैजिकल ड्रेस पार्ट 2। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला अपने दोस्त कविता से फोन पर बातें कर रही थी। हाँ बोल यार। बोलने के लिए क्या है, रूटीन लाइफ है। अच्छा, खाना खा लिया? हाँ खा लिया, थोड़ी देर पहले ही शॉपिंग से वापस आए थे। शॉपिंग गई थी, क्या खरीदा? त्योहार आ रहा है ना, साड़ियाँ खरीदी, मेरी बच्ची के लिए ड्रेस खरीदी।
कब से सोना खरीदना चाहती थी, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ गई है यार, उसने कहा। ड्रेस का नाम सुनते ही विमला को अपना मैजिकल ड्रेस याद आ गया। छी, वह मैजिकल ड्रेस कितना अच्छा था, फोकट में ही गवा दिया। थोड़ी सूझबूझ होती तो वह ड्रेस आज मेरे पास होती और मेरा पूरा घर सोने का बन गया होता। इस तरह वो मन में सोच रही थी तो कविता बोली, क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही, तू है या नहीं, फोन काट दिया क्या? हाँ हाँ यही हूँ, चल ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। वो फोन रख देती है। फोन रख कर वो मैजिकल ड्रेस के बारे में सोचने लगी। हाँ, उस दिन सास ने उनकी चीजों को वापस करने के लिए मैजिकल ड्रेस लेकर चली गई, लेकिन उनकी चीजें वापस किया भी या नहीं, या अपने पास ही रख लिया। वो रखने से भी रख लेंगी, अच्छा होगा अगर मैं एक बार घर में जाकर देखूं। अगले दिन विमला की सास सुबह सुबह विमला के घर पहुंची। घर पर है? हाँ सासू माँ, यहीं पर हूँ। मैं जरा पड़ोस के गांव जाकर आती हूँ, वहाँ कोई डॉक्टर आया है जो जोड़ों का दर्द ठीक करता है, जरा मिलकर आती हूँ, तब तक तू जरा घर का ध्यान रखना। ठीक है सासू माँ, आप ध्यान से जाकर आइए। ठीक है, चलती हूँ, ये ले घर की चाबी, अपने पास ही रख। ऐसा बोलकर चाबी देकर वहाँ से चली गई। उनके जाते ही विमला, आज लगता है मेरी किस्मत चमक गई, सास खुद ही आकर मुझे चाबी देकर गई है, घर जाकर उस ड्रेस को ढूंढ कर आती हूँ। ऐसा सोचकर वह सास के घर चली गई, घर का ताला खोला और अंदर आई। हाँ, सारे कपड़े अलमारी में रखती है, वहीं देखना चाहिए। सासू माँ के कमरे में जाकर पूरी अलमारी खोलकर सारे कपड़ों को छान मारा, लेकिन उसमें से उसे मैजिकल ड्रेस कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने निराश होकर, छी, इस बुढ़िया ने उस मैजिकल ड्रेस को सचमुच वापस कर दिया है क्या? बुढ़िया सटक गई है, इतना अच्छा ड्रेस मिला तो सोना निकालने के बजाय कोई क्या हाथ में रख के वापस कर देता है। ऐसा सोचते हुए वह वापस अपने घर निकलने के लिए पीछे मुड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे के पास ऊपर छज्जे पर एक बोरी दिखाई दिया। उसे देखकर विमला बोली, ये बोरी क्या बोरी है, इसमें क्या छुपा कर रखा है, एक बार देखती हूँ। ऐसा सोचकर स्टूल लेकर उस बोरी को नीचे उतारती है, उसे खोल कर देखती है। उसमें अलग अलग चीजें रखी हुई थी, जिस मैजिकल ड्रेस को विमला ढूंढ रही थी वह भी उसी में थी। यह देखकर, अरे वाह, मैजिकल ड्रेस बुढ़िया ने इसमें छुपाया था। ऐसा सोचकर उस ड्रेस को हाथ में लेकर, अरे वाह मैजिकल ड्रेस, तू मुझे मिल गया, मैं जानती थी तू मुझे जरूर मिल जाएगा, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। उसने उस ड्रेस को हाथ में ले लिया। बस बुढ़िया के आने से पहले इस बोरी को वापस रखकर चुपचाप निकल जाती हूँ। ऐसा सोचकर उस बोरी को वापस बांधकर फिर से छज्जे के ऊपर रख देती है। उस ड्रेस को लेकर वहाँ से बाहर आकर पहले की तरह घर पर ताला लगाकर अपने घर पहुँच जाती है। शाम को सासू माँ वापस आती है। सास के आते ही विमला, हाँ सासू माँ आ गई, डॉक्टर ने क्या कहा? दवाइयाँ दी है। अच्छा, रोज दवाई डाल लेना, ये रही चाबी, कहकर चाबियां देती है। उन्हें लेकर, अच्छा तो मैं चलती हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ, जल्दी ना, जल्दी चली जाए यहाँ से, उसने मन में सोचा। सास के चले जाते ही, हाँ गई, अब इस ड्रेस को जल्दी से पहनकर सारे गिलास चम्मच बर्तन वगैरह सोने में बदलना है। ऐसा सोचकर अंदर चली गई। चाबी लेकर घर पहुँचे सास को ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया था। वो अपने कमरे में देखती है, अलमारी के सारे कपड़े बिखरे पड़े थे। छज्जे के ऊपर देखती है, बोरी पहले की जगह पर नहीं थी। इन सबको देखकर, लगता है जब मैं घर पर नहीं थी वो लालची औरत घर आकर कुछ ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या ले गई, अब क्या गड़बड़ करने वाली है। ऐसा सोचते हुए उसने बोरी नीचे उतार कर देखा, उसमें ड्रेस नहीं था। अच्छा तो यह मैजिकल ड्रेस ले गई, अरे रे,
शायद वो नहीं जानती कि ये पुरानी वाली मैजिकल ड्रेस नहीं है। अगर इसने उसे पहन लिया तो गए काम से, जल्दी से जाकर उसे रोकना होगा। ऐसा सोचकर वो फटाफट विमला के घर आई। घर आते ही, विमला विमला तू ठीक है ना? सासु माँ। अंदर से विमला के रोने की आवाज आ रही थी। उसे रोता सुनकर, अरे रोना सुनाई दे रहा है लेकिन ये लड़की दिखाई नहीं दे रही। ऐसा सोचते हुए उसने सारे कमरे ढूंढ लिए और विमला के कमरे में पहुंची। वहां पर विमला को देखकर सासू माँ दंग रह गई। विमला ड्रेस पहनते ही एक सोने की चिड़िया बन चुकी थी, बिल्कुल नहीं हिल पा रही थी, बस मुंह से थोड़ी सी आवाज निकल रही थी। ये देखकर, मैं जानती थी तू ऐसा ही कोई गड़बड़ करने वाली है। सासू माँ मुझे बचाइए सासू माँ। वो रोने लगी। तुझे बचाऊं? ये वो पहले वाली मैजिकल ड्रेस नहीं है, जिस चीज पर इसे पहनाओ वह सोने का बन जाती है। उसी तरह अगर मनुष्य भी इसे पहन ले तो वो भी सोने के बन जाते हैं। अच्छा, मैंने सोचा ये पुरानी वाली मैजिकल ड्रेस है, मुझे बचाइए सासू माँ। सासू माँ को दया आ गई और विमला के पहने हुए ड्रेस को पीछे से तोड़ा काट दिया। उससे मैजिकल ड्रेस का सारा मैजिक चला गया और विमला फिर से पहले जैसी बन गई। हाँ, सोने की चीज हो तो गले में पहन सकते हैं, लेकिन पूरा शरीर ही सोने का बना नहीं सकते। आज तो मेरी जान ही बच गई। ऐसा सोचकर वो खुश हो गई। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।